वेलकम बैक है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपके पास लैपटॉप या कोई भी मोबाइल होना चाहिए। इसके लिए आपको जो जो करना है मैं आपको बताऊंगा। आज ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत ही आसान है अगर हम टेक्निक से चलें तो। आज मैं आपको बताऊंगा SMM, जिसका मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स कि जैसे हमारा पैनल है, जो बालाजी पैनल है, उससे हम सर्विसेज लेते हैं और आगे जो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर हमारे कस्टमर हैं उनको हम सर्विसेज सेल करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका है। सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए आपको एक बहुत ही जैसे देखिए कि ये है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पर सभी टाइप की सर्विसेज मिलती हैं हमारे पैनल पर। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको हमारे पैनल पर जाना होगा और वहाँ पर सर्विसेज को लेना होगा और आगे कस्टमर को रीसेल करना होगा। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे पेजेस हैं जो कि ये सर्विसेज देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पेजेस रियल होते हैं तो कुछ पेजेस फ्रॉड करते हैं, तो आपको फ्रॉड पेजेस से बचकर रहना है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस को करने के लिए तो मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको इंस्टाग्राम पर ले चलते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको भी इसी तरह का पेज बनाना है। आपको पेज, अगर आपके पास आप अपनी आईडी को यूज़ करना चाहते हैं, पर्सनल आईडी को, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की आईडी बनाना चाहते हैं तो इस तरह की भी आईडी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक आईडी तैयार करनी होगी, जैसे कि ये है ऑल सर्विसेज अवेलेबल, बायो में बिजनेस आईडी बनानी पड़ेगी आपको एक। और उसके बाद आपको अपने कुछ चार्ट तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि यह है 5 ईयर गारंटी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। तो जैसे कि हमारे पैनल पर जो फॉलोअर मिलते हैं 50 रुपीज़ में, तो आप अपने जितना भी आपको प्रॉफिट लेना है आप उसके हिसाब से कस्टमर को दे सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। और जैसे कि इन्होंने ये दिखाया है कि इस आईडी के फॉलोअर पहले इतने थे और इसके बाद में इतने हो गए, तो आपको भी इसी तरह की पोस्ट डालनी है कि जिससे कस्टमर को ट्रस्ट हो। बहुत सारे पेजेस फ्रॉड करते हैं तो आजकल लोगों का भरोसा उठ चुका है, तो आपको फ्रॉड नहीं करना है। आप इस चीज़ का भी काम कर सकते हैं, जैसे ये हैं सोशल मीडिया सर्विस, तो आप सर्वर होता है जो ये बोलते हैं, आपने सुना होगा सर्वर के बारे में। सर्वर होता है जो वेबसाइट होती है, जैसे हमारी वेबसाइट है, तो उसका दूसरा नेम सर्वर भी होता है। तो कई ये इंस्टाग्राम पर रिसेलर आपको सर्वर देते हैं, तो आप भी हमारी साइट को सर्वर दे सकते हैं। अगर कोई आपसे लेना चाहे आप इस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि ये पहले इनके फॉलोअर इतने थे और बाद में इतने हो गए, तो अब हम ले चलते हैं आपको अपनी साइट पर। तो ये हमारी बालाजी पैनल साइट है। बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कीवर्ड का, उनको पता नहीं, तो आज मैं आपको कुछ कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। रिफिल का मतलब होता है कि जैसे कि फॉलोअर कम हो जाते हैं या कुछ भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो रिफिल का मतलब हो कि वो दोबारा आ जाते हैं, यानी कि ये गुड क्वालिटी के होते हैं। नॉन रिफिल होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, वो आपकी चॉइस है आपको कैसे लेने हैं। ड्रॉप का मतलब होता है कम होना, जैसे कि ये है 99 डे रिफिल,
तो ये गुड क्वालिटी के हैं, नॉन ड्रॉप। नॉन ड्रॉप का मतलब है कि ये कम नहीं होंगे। AR30 का मतलब है कि ये 30 डेज रिफिल है इनका, जो नीचे वाले फ्लोर हैं। HQ का मतलब है हाई क्वालिटी। तो अब हम ले चलते हैं आपको YouTube सब्सक्राइबर की कैटेगरी में। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप गुड क्वालिटी के सब्सक्राइबर चाहिए जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो सके। तो ये जो सबसे नीचे वाले थर्ड नंबर वाले सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये लें, क्योंकि ये सब्सक्राइबर गुड क्वालिटी के हैं और ये कम भी नहीं होते। जैसे कि इन पे लिखा है R30, तो इसका मतलब है जो रिफिल है वो 30 डेज का है। इसके ऊपर लिखा है R15, तो रिफिल इनका 15 डेज का है। ये ऊपर वाले हैं, इनका कोई रिफिल नहीं है, इसलिए ये ड्रॉप होते हैं, यानी कि कम होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यही लो। इसमें आपको अपने YouTube चैनल का लिंक डालना होता है यहाँ पर, और जो सब्सक्राइबर काउंट होता है चैनल पर उसकी प्राइवेसी नहीं लगानी है आपको। अगर वो प्राइवेसी लगाओगे तो आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। ये वॉच टाइम की कैटेगरी है, आप यहाँ से वॉच टाइम ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है नॉन ड्रॉप R30, यानी कि ये कम नहीं होते इसका वॉच टाइम। और R30 का मतलब है कि रिफिल 30 डेज का है। और पुट वीडियो प्लस 15 मिनट्स, 15 मिनट से ऊपर की आपकी वीडियो का इसमें आपको लिंक डालना है। यहाँ पर लिंक डालना है आपको। अगर आपने जिस वीडियो का लिंक डाला है उसके बाद आपने अगर वो वीडियो डिलीट कर दी, तो आपको वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका वॉच टाइम कम हो गया। और अगर आपको, अगर आप यहाँ पर टाइप 1000 करोगे तो आपको 250 हार्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा है। इफ़ यू ऑर्डर 1000 व्यूज़ यू विल गेट 250 हार्स। और आने वाले टाइम में हम इस पे बहुत सारी सर्विसेज ऐड करेंगे जिससे आप ले सकते हैं। ये व्यूज़ हैं, ये इंस्टेंट हैं। इंस्टेंट का मतलब है कि ये साथ के साथ आ जाते हैं। और बहुत से लोग सपोर्ट टिकट ऐड कर देते हैं, आपको ये नहीं करना है। अगर आपके ऑर्डर को 500 या 600 से ज़्यादा हो गया तो आप हमको सपोर्ट टिकट कर सकते हैं और ऑर्डर आईडी डाल सकते हैं। ऑर्डर आईडी का मीनिंग है ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, और यहाँ पर आपको मैसेज लिखना है जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है। पर 600 होने चाहिए, अगर इससे पहले होगा तो हम रिस्पोंड नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम तो ऑर्डर कई कई सर्विसेज लेती हैं, और कई सर्विसेज इंस्टेंट है जो एकदम से आ जाती हैं, जो जैसे कि है इंस्टाग्राम रील्स व्यू। तो अगर आपको भी ये बिजनेस करना है तो आपको भी इसी तरह का पेज बनाना होगा, और आपको हमारे वेबसाइट से सर्विसेज लेनी होगी। हमारी वेबसाइट से सर्विसेज मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बेस्ट सर्विसेज मिलती हैं। और पैनल आपको सर्विस तो देते हैं, पर वो हाई प्राइसेस पर देते हैं, जिससे आपको भी मार्जिन नहीं मिलेगा और आपके कस्टमर को भी प्राइस ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम
नई नई अपडेट डालते रहते हैं। जो नई नई अपडेट आपको मिलेंगी वो हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगी।